रंगरा में कांग्रेस नेताओं का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रखंड के रंगरा चौक, मुरली चौक और मंदरौनी चौक पर बुधवार को कांग्रेस नेताओं का भव्य स्वागत स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया है। जानकारी मिली है कि कांग्रेस प्रभारी सह पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव डॉक्टर चंदन यादव, बिहार विधान पार्षद सह प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा बिहपुर में होने वाले प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने सड़क मार्ग से जा रहे थे। इस दौरान रंगरा में कई कार्यकर्ता कांग्रेस नेता के काफिले में शामिल भी हुए। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, गठिया, पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस, मात्र 72 घंटे में असर शुरू, कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830। मास्क नहीं पहने 80 लोगों से पुलिस ने वसूल किया 4000 रुपये जुर्माना। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आने के बाद रंगरा में सघनता पूर्वक मास्क जांच अभियान थानाध्यक्ष महताब खां के नेतृत्व में चलाया गया है। थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाकर मास्क नहीं पहने कुल 80 लोगों से 4000 रुपये जुर्माना वसूल किया है। रंगरा PHC में गुरुवार से दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। रंगरा PHC में गुरुवार से कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को दिया जाएगा। जानकारी देते हुए रंगरा PHC के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि दूसरे डोज के वैक्सीनेशन के लिए सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक भी आयोजित किया गया है, जिसमें कर्मियों और चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। रंगरा PHC में कोरोना जांच, 2 लोगों का रैपिड एंटीजन और 1 का हुआ RT-PCR। रंगरा PHC में बुधवार को हुए कोरोना जांच में कोरोना का 1 भी संक्रमित रोगी नहीं मिला है। जानकारी देते हुए रंगरा PHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि रैपिड एंटीजन किट से किए गए 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1 संदिग्ध का RT-PCR किया गया है, जिसका सैंपल लैब भेजा गया है। आज की खबर में बस इतना ही, धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।